हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान का बहुत ही फेमस बाजरे का खीच। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिएगा बाजरे का दलिया, और ये दलिया जो है हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं और मार्केट में भी रेडीली अवेलेबल होता है। थोड़ा सा प्याज, मिर्ची और मटर मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। तो मैं इसको एज अ ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाया करती हूँ। तो पहले इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ये तेल करीब 2 टेबलस्पून के आसपास है, और जीरा और हींग इसके अंदर हम लोग डालेंगे तड़के में। जीरा क्रैकल होते ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप जनरली अगर ये देखा जाएगा कि जो फेमस खीच होता है वो कढ़ी के साथ, खीच और खाटे का जो कॉम्बिनेशन है उसे बहुत इन्जॉय किया जाता है राजस्थान में हर सिटी के अंदर। लेकिन मैं बना रही हूँ आज नमकीन खिचड़ी, जो कि मेरी स्टाइल के अंदर है, जिसे आप कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। लेकिन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है घी। तो घी को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। इसको आप चाहें तो तेल की जगह घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप तेल यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह इसके तड़के में, तो आपको उसको सर्व करते समय ढेर सारा घी डालना तो बिल्कुल बनता है। चलिए अब मसाले डाल रही हूँ मैं इसमें। तो मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाली है और करीब 1 चम्मच के आसपास मिर्ची डाली है, थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 मैंने धनिया का पाउडर डाला है, और 1 चम्मच नमक इसके अंदर डाल दिया है। घी और गुड़ के साथ जो इसका मेस्मराइजिंग सा टेस्ट है ना, उसको सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने अभी तक ट्राई किया है। तो आपने अगर अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर अपने घर में इसे बना के देखिए। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी और अलग सा टेक्सचर देने वाली, अलग सा टेस्ट देने वाली रेसिपी है, जिसे आप बार बार आजमाना चाहेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी मिला देती हूँ ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। तो 1 कटोरी बाजरे का दलिया के अंदर हम लोग 4 कटोरी डालेंगे पानी। तो जनरली ये रेशियो इसलिए रखा जाता है ताकि बाजरी जो है, बाजरे का जो दलिया है, वो अच्छे से घुट सके और एक क्रीमी सा टेक्सचर, क्रीमी सी कंसिस्टेंसी उसकी डेवलप हो सके। तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ओपन पॉट रेसिपी ये है, और इसको बिल्कुल खुले बर्तन के अंदर पकाया जाता है, रड़ाया जाता है, बहुत घंटे लगते हैं ये बनने में। पर जिस तरह से लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, तो हमने भी इसे बिल्कुल फास्ट पेस में बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये रेसिपी सिर्फ आधे घंटे में बनके तैयार हो जाती है इस कुकर की मदद से। तो कुकर के अंदर हम लोग 1.5 सीटी लगाएंगे इसको। 1.5 सीटी यानी कि आप जानते हैं कि 1 सीटी और थोड़ा सा प्रेशर, और ये हमारी जो बाजरे की खीच है, बाजरे का दलिया है, ये देखिए बनके इस तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो थोड़े ट्विस्ट बाकी है इसके अंदर। तो उस ट्विस्ट के लिए हम लोग वापस इसको सिम के ऊपर पकाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर 2 कटोरी पानी कम से कम और ऐड करने वाली हूँ, ताकि इसका गाढ़ापन हटे और थोड़े बहुत जो बाजरे के दाने इसके अंदर रह गए हैं वो भी अच्छे से घुट जाए। फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे जो मटर और हरी मिर्ची हमने काट के रखी थी, वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से फूल सके, और बहुत ही सुंदर इसका कलर भी उभर कर आएगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगने वाली है। तो थोड़ा सा मैं अदरक इसके अंदर ग्रेट कर दूंगी। आप चाहें तो अदरक कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे तो उसका जूस ज़्यादा अच्छे से पूरी रेसिपी के अंदर जा सकता है। अब मैं इसके अंदर मिर्ची भी कटी हुई डाल दूंगी, और इस पूरे टाइम के अंदर हमें गैस को सिम पे ही रखना है ताकि जो ये बाजरे का दलिया है ये अच्छे से घुट सके। तो अब मेन ट्विस्ट का समय जो है वो आ चुका है, मेरा फेवरेट टाइम, तड़का टाइम। तो अब मैंने इसके अंदर घी लिया है ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून, उसमें डाली है मैंने राई और थोड़ी सी हींग। राई के तड़कते ही मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्ची सूखी हुई, और ये तड़का गया पॉट में या हमारे कुकर में। तो इस ट्विस्ट से बहुत ही शानदार वाला टेस्ट आता है। ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए रेसिपी इन सर्दियों के ब्रेकफास्ट में। चाहें तो इसे डिनर में भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और चाहें तो कढ़ी के साथ खाएं, या फिर नमकीन मसाला खिचड़ी तो ये ऑलरेडी बन ही चुकी है, आप थोड़े से गुड़ के साथ में इसको सर्व करिए और फिर देखिए कि इसका हल्का सा नमकीन, हल्का सा मीठा और खूब सारा घी वाला जो टेस्ट आता है उसका कहना ही क्या। इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ फिर से आपके साथ एक नए वीडियो को लेके। टिल देन बाय बाय।